यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस बेस्ट लेवल है GTA 5। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि यार बेनी मेरे से ये बोल रहा था कि यार अभी ना जो गाइस हम लिबर्टी सिटी से गाड़ी लाए थे उसी गाइस डिलीवरी करनी है। और गाइस इसलिए जो है मैं बेनी गैरेज में गया था, और गाइस वो जो गाड़ी थी ना वो गाइस मैंने डिलीवर कर दी थी। और गाइस जैसी मैंने वो डिलीवर करी थी ना, गाइस मेरे पास जो है लमारी कॉल आई थी। और गाइस लमार मेरे से ये बोल रहा था कि यार अभी ना उसने जो है उस बंदे की लोकेशन निकाल ली जो जिसने कि गाइस हमारे जो है 500 मिलियन डॉलर लिए थे, और मतलब 500 मिलियन डॉलर चुराए थे, और हमारी जो GTR थी ना वो भी चुरा ली थी। और इसलिए जो है मैं और लमार गए थे गाइस उसकी लोकेशन पे। तो गाइस वो जो बंदे था ना गाइस एक जो है होटल में रुका हुआ था, तो गाइस उसके होटल में गए थे। और गाइस वहां पर काफी ज्यादा अच्छे से मैंने वो कुत्ता बनाया था, मतलब भाई साहब फालतू तो बोल रहा था, ये बोल रहा था कि जो खाड़ना वो खाड़ लो। तो गाइस इसलिए जो है मैंने उसको तो भूत बनाया था। साथ में गाइस अपनी GTR को जैसे भी वापस लेकर आ रहा था ना, तो गाइस उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो गाइस GTR को मतलब RPG चला दी और गाइस पूरी फट गई थी। और गाइस उसके बाद मैं अपने लेसर को लाई थी, और गाइस लेसर में से ये बोल रहा था कि यार अभी ना ट्रेवर और CJ है ना गाइस मार्टिन मंद्राजो के घर पे गए थे, क्योंकि यार जो लेसर है ना उसने गाइस बता दिया था कि मार्टिन मंद्राजो के घर में जो है टेरिस आ चुके हैं। तो गाइस इसलिए जो है गाइस जो ट्रेवर है जो उसमें चला गया था, और गाइस जैसे मैं ट्रेवर और CJ को देखने के लिए गया ना, तो गाइस वहां पर तो काफी सारे जो टेरिस थे वो गाइस CJ को मार रहे थे, और साथ में गाइस ट्रेवर का भी भूत बना रहे थे। तो गाइस अगर मैं वहां पर गोली वोली चलाता ना तो गाइस उल्टे सीन हो जाता। तो इसलिए जो है मैं वहां से चुपचाप आ गया था, अपनी बाइक को उठाता हूं और गाइस सीधा ना भी फ्रैंकलिन के पास निकल रहा हूं, क्योंकि अभी ना जो लेसर है वो गाइस ये बोला कि फ्रैंकलिन को जल्द से जो है बता दो इस बारे में। और गाइस अभी जो इसलिए मैं फ्रैंकलिन के घर पे निकल रहा हूं, फ्रैंकलिन को सब कुछ बताना पड़ेगा। और गाइस ये जो ट्रेवर ना भाई ऑन थे दिमाग का है बिल्कुल, इसको किसने कहा था अकेले जाने के लिए? मतलब चलो अकेला गया नहीं गया, लेकिन गाइस साथ में CJ को भी लेकर चला गया। और भाई आप लोगों को बता कि जो टेररिस्ट लोग हैं ना कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब मार मूर का फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा, और हम जो ढूंढते रह जाएंगे। वैसे अभी जो है मैं फ्रैंकलिन घर पे निकलता हूँ और वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या चीज़ है। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं कहता हूँ 1200 लाइक के लिए तो भाई पूरा करा देना। और अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल चेकआउट नहीं किया तो गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जगह चेकआउट कर सकते हो, उस पर GTA 5 हो जाता। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो जल्द से निकलता हूँ फ्रैंकलिन घर पर। ओके, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते गाइस अभी जो है फ्रैंकलिन घर पर पहुंच चुका हूँ। एक सेकंड, तो गाइस यहाँ पर जो है और गाइस अंदर की जल से निकलता हूं, और मैं भी यार फ्रैंकली जो अंदर की तरफ ही होना चाहिए, तो कोई निकाल यहां पर मैं अंदर की तरफ तो आ चुका हूं। ओके, तो सामने की तरफ जो मेरे को फ्रैंकली यहीं से दिख चुका है। अब ये तो फ्रैंकली पता नहीं यार क्या ही कर रहा है, और जैसे अभी ना फ्रैंकली कुछ पता नहीं इस बारे में। भाई लो भाई सब यहां पर जो है, अब ये बियर वियर मार रहा है भाई, इसको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो जैसे यहां पर फ्रैंकली से बात करता हूं और सब कुछ बात बतानी पड़ेगी। तो ओके गाइस, यहां पर मेरी फ्रैंकली से तो बात हो चुकी है। तो गाइस अभी जो फ्रैंकली ना वो ये बोल रहा है कि यार ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गाइस यहां पर मैंने फ्रैंकली को सब कुछ बात बता दिया, और गाइस फ्रैंकलिन अभी ये बोल रहा है कि अगर हम ऐसे जाएंगे ना टेररिस्टों को मारने के लिए, तो गाइस हमको ये भी नहीं पता है जो ट्रेवर है और गाइस जो CJ है वो किधर की तरफ है। तो गाइस मार्टिन मंद्राजो जो घर के नीचे ना काफी बड़ी एक बेस है, और तो वो जो बेस है ना उसके अंदर काफी सारी वेपन्स भी रखी हुई है। और गाइस अभी हमको ये नहीं पता कि यार वो जो टेररिस्ट लोग हैं उन्होंने गाइस ट्रेवर और CJ को उसी बेस के अंदर रखा है रखा। तो गाइस अभी जो फ्रैंकलिन है वो ये बोल रहा है, फ्रैंकलिन अभी ये बोल रहा है कि उसके ना काफी अच्छी एक दोस्त की दुकान है, मतलब दुकान क्या मतलब एक शॉप है काफी अच्छी, और वहां पर ना काफी सारे टॉयज भी मिलते हैं। फ्रैंकलिन तो ये बोल रहा है कि अगर हम गाइस उसके अंदर जो है एक ड्रोन भेजेंगे ना वो भी यार कैमरे के साथ, और गाइस उससे हम पता लगा पाएंगे कि यार जो CJ और गाइस जो ट्रेवर ना वो गाइस बेस के अंदर ही नहीं है। तो गाइस ये तो फ्रैंकली काफी अच्छा एक आइडिया बता रहा है मेरे को। कोई नहीं गाइस, यहां पर जो अपनी गाड़ी को भगाता हूं, और उसी तरह जहां पर फ्रैंकली बता रहा है वहां पर निकलना पड़ेगा। और गाइस अभी जो लेसर है ना वो गाइस लोकेशन निकालने में लगा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर जो फ्रैंकली के फ्रेंड की शॉप पर निकलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो गाइस यहां पर जो है मैं गाड़ी को भगाते भगाते गाइस अभी जो फ्रैंकली बताई जगह पहुंच चुका हूं। फ्रैंकलिन ने तो मेरे को यहीं पर ही बताया कि यहाँ पर जो है उसके फ्रेंड की शॉप है। ओके, तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो भाई कितना बड़ा एक स्टैचू लगा रखा है। गाड़ी को एक सेकंड के लिए यहीं पर लगा देता हूँ, और फ्रैंकलिन जल्द से आ जा। बाकी तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे भाई छोटी सी शॉप है, लेकिन गाइस काम की शॉप है। बट वो नहीं गाइस, यहाँ पर जो है मैं अंदर की तो आ चुका हूँ। यहाँ पर भाई कितने सारे जो स्टैचू रखे हुए हैं। अबे फ्रैंकलिन तू भी आ जा भाई अंदर की तरफ। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो भाई पूरा डमियों में बना रखा है भाई, कितना मशीन कर रखा है। ओ भाई सब कितना ज्यादा बड़ा जो है क्वाडकॉप्टर रखा हुआ है, ये में भी ड्रोन होना चाहिए भाई, इतने ज्यादा बड़े ड्रोन होते हैं क्या? तो कोई नहीं, सबसे पहले यहाँ पर से बात करता हूँ, अगर गाइस एक ड्रोन मिलेगा ना तो गाइस यहाँ पर जो है मैं परचेज कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी इस लड़की से बात हो चुकी है। तो गाइस ये जो लड़की ने ये बोल रही है कि गाइस अभी ना इसके पास एक ही ड्रोन बच रहा है, वो भी गाइस ये वाला। और गाइस मेरे को तो इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन गाइस ये बोल रही है कि ये ना मतलब अपना जो है ये इनविजिबल भी हो जाता है, और ये तो काफी बढ़िया बात है अगर इनविजिबल हो जाता तो। बाकी अगर यहाँ पर जो काफी सारे टॉयज भी रखे हुए हैं, बाकी अगर मैंने इससे पूछ लिया कि अगर इसके अंदर कैमरे वैमरे फिट हो जाएंगे तो बता दे। और गाइस ये बोले कैमरे में सब कुछ फिट हो सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर देख पाओगे गाइस
सर इसके पास गन्स वंस भी है, तो मैंने इसे बता दिया कि जो सबसे छोटी गन हो ना वो बता दे, और कैसे इसने जो मेरे को बता दिया है। बैग वैग भी रखे हो, तो कैसे यहाँ पर जो है बैग में कैसे ये जो ड्रोन देख पा रहे हो ना, इसको लेकर जल्द से निकलते हैं यहाँ से। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर जो है मैंने इस लेडी को पेमेंट भी कर दिया, और कैसे वो जो ड्रोन है वो बैग में भी रख लिया है। बाकी यहाँ पर जो है फ्रेंकली जल्दी से आ जा, तो कैसे अभी ना हमको बस एक काम करना है, और वो जो है ये जो ड्रोन है इसके अंदर गए सर मेरे को कैमरा फिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैमरा फिट नहीं करेंगे तो भाई पता कैसे लगाएंगे। बाकी अगर ये कहाँ रहेगा यार, अबे फ्रेंकली जल्दी से भाई। तो क्या जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो है फ्रेंकली भी आके बैठ चुका है। अभी कैसे यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, और सर अगर आपको याद होगा कि हमने एक बार प्रेजेंट की गाड़ी चुराई थी, और सर उस गाड़ी को मैं रिपेयर कराने के लिए बैनी के दोस्त के पास ले गया था, और वो जो बैनी का दोस्त था ना सर काफी खतरनाक था। गाड़ी के अंदर जो है अलग अलग चीजें फिट करता रहता है, मतलब कभी गन्स फिट कर रहा है, कभी कैमरे फिट कर रहा है, तो सर यहाँ पर ना काफी बढ़िया सीन हो सकता है। तो अभी ना मैं उसी के पास निकलता हूँ, वो हमारी हेल्प जरूर से करेगा। और अगर मैं बैनी के पास जाऊँ तो कहते बैनी जो है ना, मतलब बैनी जो है नॉर्मल मॉडिफिकेशन तो करता है, तो कोई नहीं कहते यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, और सीधा कहते उसी लोकेशन में निकलते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को भगाते भगाते कहते मैं अभी उसी लोकेशन पहुंचू। ओ भाई एक सेकंड भाई, यहाँ पर जो है हिरन विरन भाग रहे हैं, अगर कहते आगे की तरफ आ गए ना टायर वायर के नीचे, तो भाई यहाँ पर कुछ उल्टा सीन हो सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से धीरे धीरे चलाऊंगा। बाकी तो कहते आप लोग जो जगह देख पा रहे हो भाई, कितनी ज्यादा अजीब हो गई जहाँ पर जो है वो बंदा रहता है। और कहते यहीं पर जो है एक बार मैं प्रेसिडेंट की गाड़ी चुरा के लाया था, और उस बंदे के पास मैंने छोड़ दी थी, लेकिन कहते उस बंदे ने ना गाड़ी की ऐसी तैसी मार दी थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं कहते अभी जो है हमको उससे काम पड़ने वाला है। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर मैं पहुंच तो चुका हूँ। एक सेकंड भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर लगाता हूँ, और यहाँ पर ना फ्रेंकली तू उतर जा। अभी कहते यहाँ पर जो है ना अंदर की तरफ जल्द से निकलता हूँ। कहते आप लोग जो जगह देख पा रहे हो भाई, कितनी ज्यादा अजीब हो गई जहाँ पर जो है ये बंदर रहता है। अबे गेट खोल भाई, अबे ये तो गेट वेट तो क्या यहाँ पर जो है ये गेट तो खुला पड़ा है, और ये बंदा क्या करने में लग रहा है भाई। तो कह सर आप लोग देखो भाई, कैसी अजीबोगरीब जहाँ पर जो है रह रहा है भाई, पूरा बंद करके, और ये क्या न्यून लाइट चमक क्या रही है भाई, क्या सीन है ये। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो है सबसे पहले बात कर लेता हूँ, बताता हूँ सारी बात। तो क्या जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कहते ये जो बंदा नहीं ये लग चुका है, और मैंने इसको बता दिया कि इसके अंदर ना कैमरा फिट करना है। तो कहते ये बंदा बोला कि मुझे सिर्फ एक घंटा लगेगा, और उसने यहाँ पर ना अभी लेसर की मेरे पास खोला है, और कैसे लेसर ने मेरे को सब कुछ बात बता दिया है। तो कैसे जो मार्टिन मंदरा जो घर है ना, तो कैसे उसको जो बेटा आया था उसके घर पर, मतलब कहते मिनी मंदराजो के नाम से, और कैसे वही जो बंदा है ना कैसे जनरल का भी एक तरीके से दोस्त है काफी अच्छा। तो कैसे इसलिए लेसर ये बोल रहा है कि जो मिनी मंदराजो है ना वो कैसे हमको जानता अच्छे तरीके से। तो कैसे जो मिनी मंदरा जो बंदा है ना कैसे वो जो टेरिसो के साथ मिला हुआ है एक तरीके से, वो जो है उनका बॉस बोल सकते हैं, और कैसे वही उनको कमांड देता रहता है, और कैसे इसलिए जो है उन्होंने सीजे और कैसे जो ट्रेवर ने उनको पकड़ लिया है। तो कैसे लेसर तो मैं ये बोला कि अभी ना एक बंदा जो कि कैसे जो मिनी मंदरा जो काफी अच्छा दोस्त है उसके लिए काम हम करता है। तो कैसे उसकी लोकेशन तो निकल चुकी है, लेकिन अभी ना मिनी मंदरा जो की लोकेशन नहीं निकली है। तो लेसर तो ये बोला अभी तुम जाकर देखो उस बंदे को, और कैसे अभी ना मैं उसको कुत्ता बना दूंगा। जो सा बंदा होगा ना भाई, जो सा सीक्रेट एजेंट उसके अंडर में काम कर रहा होगा ना भाई साहब, जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो लीक कर रहा है, तो कोई नहीं कह सर अभी जो फ्रेंकली ना उसको मैंने बोल दिया था कि तू अभी यहाँ पर थोड़ा वेट कर ले और मैं गाड़ी लेके तेरी आ जाऊँगा। तो कह सर अभी जो है गाड़ी लेकर मैं सीधा निकलता हूँ, अभी जहाँ पर लेसर मेरे को बता रहा ना भाई इसका भूत बनाऊंगा, कौन सा बंदा है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर लैम्बोर्गिनी को लेकर जो है सीधा भी कह सर उसी लोकेशन पहुंच चुका हूँ, जिस लोकेशन पर मेरे को लेसर बता रहा था। बाकी कह सर यहाँ पर कौन ही बंदा है जो ऐसा जो मिनी मंदराजो का दोस्त है, अभी यार मैं भी तो देखूंगा, बट कोई नहीं कहते यहाँ पर तो मेरे को ऐसा कोई भी नहीं दे रहा है। बाकी ऐसे लैसे तो मेरे को यही लोकेशन बता रहा है। ओके तो कोई नहीं कहते यहाँ पर जो मेरे को उसका घर दिख चुका। यहाँ पर जब अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ लगाता हूँ, इसकी पार्किंग में लेके चलते हैं भाई, अगर कुछ बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर जब अपनी गाड़ी से उतरता हूँ मैं, और सीधा अंदर की तरफ निकलता हूँ, और देखना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले लॉक करता हूँ। यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि यार यहाँ के लोग कहाँ से कहाँ चुरा के ले जाएं, बट कोई नहीं सर आप लोग यहाँ पर नज़ारे देख पा रहे भाई, कितना ज़्यादा तगड़ा व्यू आ रहा है, आग की तरफ पहाड़ है भाई पूरा का पूरा। तो कोई नहीं कहते ये वाला जो घर नहीं इसी बंदे का, मतलब उसी बंदे का घर है जो कहते मिनी मंदराजो का मतलब एक तरीके से दोस्त है। अब कहते मेरे को नहीं समझ नहीं आ रहा कि कौन ही दोस्त है, कोई नहीं कहते यहाँ पर मैं अंदर की तरफ तो आ चुका हूँ। बाकी कहते यहाँ पर ये घर कैसे बना रखा है भाई, कितना ज़्यादा तगड़ा घर बना रखा है। बट कोई यहाँ पर पहुँच तो चुका हूँ, यहाँ पर एक LED रखी हुई है। ओ नीचे जाने का रास्ता नीचे में, तो अभी जाऊँगा साथ में। गाइस यहाँ पर जो किचन विचन भाई साहब पूरा जबरदस्त सीन कर रखा है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो घूमना फिरना बंद करते हैं, और गाइस नीचे की तरफ चल के रहते हैं, नीचे की तरफ ही जाने का रास्ता दे रखा, और तो यहाँ पर कहीं रास्ता नहीं है भाई साहब। यहाँ पर पोस्टर वोस्टर भी सब लगा रखे हैं भाई, अच्छा बेटा कौन ही गेमर हो रहा है, मैं भी तो जाकर देखूँ भाई नीचे की तरफ। तो कोई नहीं यहाँ पर गाइस मैं नीचे की तरफ आ चुका हूँ, और एक सेकंड यहाँ पर गाइस मेरे को ना कुछ ना
बीच तो कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज़ आ रही है, ओ ओ इसे ही नहीं थी। तो कैसे यहाँ पर जो एक बंदा तो मेरे को सामने की तरफ दिख रहा है, ये बंदा तो नहीं है लेकिन कैसे एक लड़की लग रही है मेरे को। बाकी अगर आप लोग उसका रूम देख पा रोगे भाई कितना ज़्यादा तगड़ा कर रखा है। अच्छा बेटा भाई डेस्टिनी 2 खेला जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, तुझको मैं हिटमैन खिलाऊंगा अभी। बाकी तो कैसे भाई प्ले स्टेशन लगा रखा है, रुको 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 यहाँ पर जो है तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। तो कैसे यहाँ पर कंधा ही तोड़ दे भाई मैंने, तो कितना ज़्यादा तगड़ा शॉट मारा है भाई साहब। एक अबे एक घूस में कोई बेहोश होता है क्या, अबे क्या सीन कर रखा है। तो कोई नहीं यहाँ पर इसे पूछताछ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भाई इसको रूम देख कर तो भाई मेरे को सही भाई कितना ज्यादा तगड़ा रूम है। तो गाइस इस रूम के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, कितना ज्यादा मस्त रूम है। तो कोई नहीं सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर इस लड़की से बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा ये कौन है और मिनी मंदरा से क्या लगती है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर मैंने इस लड़की से पूछताछ करी है और कैसे ये जो लड़की ने बिल्कुल ही बताने के लिए राजी नहीं हो रही है, कह रही मिनी मंदराज से कौन लगती है और मिनी मंदराज उसे कैसे जानता है। और कैसे ये जो लोग हैं ना मुझे लग रहा है टेरिस्टो के बारे में जरूर से कुछ ना कुछ जानते हैं, ये छुपा तो रही है लेकिन कैसे मेरे को बताना नहीं चाह रही है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं कैसे अभी जो है लेसर के पास मैंने कॉल कर दी थी और कैसे लेसर ये बोल रहा था कि वो जो है यहीं पर आ रहा है और कैसे लेसर खुद ही से जो है पूछताछ कर लेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेसर का आने का वेट करते हैं और भाई जब लेसर आएगा ना इसकी अच्छी तरीके से कुटाई कर देगा। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और देखते लेसर कब तक आता है। मुझे क्या लग रहा है भाई ये लड़की हिटमैन की ज्यादा ही फैन है क्या भाई साहब, सारे मुझे हिटमैन लगा रखे हैं भाई, प्ले स्टेशन भी रखा जा रहा है। बाकी कहते यहाँ पर जो है ओ भाई साहब एसोसिएशन क्रीड की वॉल पर भाई साहब विंडो 10 में डाली हुई है, तो अभी छोड़ते हैं विंडो को। तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर जो लेसर का वेट करते हैं, कैसे आप लोग देखो भाई कितने चौड़ में खड़ी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जो है लेसर आ रहा है और इसको अच्छे तरीके से सीधा कर देगा। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो कैसे लेसर आ चुका और कैसे लेसर भाई साहब आते जो है गन पकड़ लिया हाथ में और कैसे एम करनी स्टार्ट कर दिया है। लेसर तो बोल रहा है इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर इसने कुछ बताया नहीं, कि यार ये जो है मिनी मंदराज को कौन लगती है और कैसे मिनी मंदराज जो है अपने मेंशन में क्यों ही आया था। और कैसे जब से मिनी मंदराज अपने मेंशन में आया तब से कैसे प्रॉब्लम ही हो जा रही है। तभी से वहां पर जो है टेरिस लोग आए थे, अब कैसे मेरे को समझ आ रहा कि यहाँ पर क्या ही चल रहा है। बट कोई नहीं कैसे लेसर जो है ना अपना इससे पूछ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो मैं लेसर को अकेले छोड़ कर जा रहा हूँ तो कैसे अभी ना मैं सीधा फ्रैंकलिन के पास जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ना जो फ्रैंकलिन है वो मेरे कॉल करके बुला रहा था और वो बोल रहा था कि जल्द से आ जाओ और सारे से काम ठीक हो चुके हैं। और वो जो कैमरा ना गजर अपने जो ड्रोन में फिट करवाने के लिए बोल रहा वो भी फिट हो चुका है। अपनी मैं लैम्बोर्गिनी को उठाता हूँ और सीधा गजर अभी जो है फ्रैंकलिन पास निकलना पड़ेगा और वहीं पर जाकर देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो गजर ये जो लड़की ना कितनी चालूपंथी करने की कोशिश कर रही है, ये हमको हल्के में लेने की सोच रहे भाई। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो लेसर इसका मुंह तोड़ देगा और काफी अच्छे तरीके से पूछताछ कर लेगा। तो कोई नहीं यहाँ पर अपने गार्ड को भगाता हूँ, उस तरह से अभी जो फ्रैंकलिन वहाँ निकलते हैं और वहीं जाकर देखें क्या सीन है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं लैम्बोर्गिनी को भगाता भगाता जो अभी कैसे उसी लोकेशन पहुंच चुका हूँ, मतलब कैसे उसी बंदे के पास पहुंच चुका हूँ। मेरे को लग रहा है कैसे उस बंदे ने जो अभी कैसे कैमरा मेरा फिट कर दिया होगा, इस तो कैसे मेरे को फ्रैंकलिन को और का बुला ही लिया था। बट कोई नहीं कैसे यहाँ पर जो गार्ड को लेकर चल, ओ भाई आराम से आराम से। बाकी तो फ्रैंकलिन ने भाई कैसे ऐसी गाड़ी ले रखी है भाई, लैम्बोर्गिनी का पहुंचता नहीं कौन सा एडिशन है, काफी ज्यादा बड़ी। ओ भाई साहब क्या ही मैंने ब्रेक लगाए हैं भाई, पूरी स्लिप खा गई थी। बट कोई नहीं यहाँ पर कैसे अंदर की तरफ जल्द से निकलता हूँ और फ्रैंकलिन में भी अंदर की तरफ ही होना चाहिए। ओके ओके तो कोई नहीं, यहाँ पर जो भाई ये बंदा अभी तक लग रहा है यार इसने कुछ करा नहीं करा, सबसे पहले तो यहाँ पर इससे बात कर लेता हूँ। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो कैसे इस बंदे ने जो कैमरा फिट कर दिया और कैसे इस बंदे को जो है मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी है, मतलब भाई साहब 10,000 रुपए पहले इसके बैंक में डालो तब भाई काम करने के लिए रेडी होते हैं। बट कोई नहीं कैसे यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, अभी कैसे सबसे पहले अपनी गार्ड को उठाता हूँ और कैसे सीधा ना यार मिनी मंदराज घर पे निकल रहा हूँ। ओ ओ फ्रैंकलिन जल्द से भाई, अबे क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, ड्रामे मत कर यार, ये नाचना वाचना बाद में कर लियो। अभी गए सबसे पहले तो ट्रेवर और सीजे को बचा लेते हैं, उसके बाद नाच लियो, उसके बाद पार्टी शार्टी कर लियो। अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाने वाला, ओ ओ भाई भाई अभी क्या गाड़ी है भाई, कितनी ज़्यादा स्लिप हो रही है। अबे फ्रैंकलिन यार एक बार बैनी से मॉडिफाई करवा लेता है यार इसको, भाई इसको पता है अपना शोरूम है मतलब कहाँ कहाँ से गाड़ी लेकर आता रहता है। भाई अपने शोरूम में तो ऐसी गाड़ी नहीं मिलती है, मतलब मिलती तो अगर कोई बंदा ऑर्डर करने पे बोलेगा तो जरूर से आएंगे, लेकिन गाइस कोई बंदा बोलता नहीं है। ओ ओ भाई साहब, मतलब भाई साहब यहाँ पर जो हिरण विरण कैसे रोड क्रॉस कर रहे थे, अभी बीच रास्ते में आए थे। बट कोई नहीं, वहाँ पर कहते काफ़ी सारे टेररिस्ट होंगे, लेकिन कहते जैसे करके जो मैं अपने ड्रोन अंदर भेज दूँ उस केव के, और कहते जैसे करके जो बस हमको एक बार ये पता चल जाएगा ना कि यार जो सीजे और जो ट्रैवलर है वो उसके अंदर है, तो कहते फिर तो फायदा भी होगा कोई अटैक करने का। तो कहते अगर हम बिना सोचे समझे गए सर उस बेस के अंदर अटैक करेंगे ना, तो कहते यहाँ पर कुछ उल्टा सीन हो सकता है, मतलब गए सर यहाँ पर अगर सीजे और ट्रैवल उसके अंदर नहीं हुए तो कहते यहाँ पर जो है हम ही मारे जा सकते हैं, वो टेरिस लोग इतने ज़्यादा खतरनाक है ना भाई, हमारी जो है हालत ख़राब कर देंगे वो। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाता भगाता सीधा गए सर अभी ना मिनी मंदराज अगर पहुँच चुके। ओ नहीं नहीं यार ये वाला रास्ता नहीं लेना है, कि यार मुझे नहीं पता कि यार अभी कितने सारे टेरिस हो सकते हैं। तो कोई नहीं गए सर यहाँ पर ना कोई दूसरा रास्ता जो है मैं जाने वाला हूँ आगे की तरफ,
बाकी यार इसी रास्ते से मैं पहले भी आया था। ओ एक सेकंड एक सेकंड, तो अपनी ना गाड़ी को जो बुश में लगा देता हूँ, यहाँ से यार किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। कोई नहीं, यहाँ पर जब अपनी गाड़ी से उतर जाता हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर जो मैंने एक पिस्टल ले रखी है और उस पिस्टल के अंदर ना सप्रेसर लगा हुआ है, तो काफी तो बढ़िया सीन हो चुका। आगे तरफ जैसे निकलता हूँ, ओ भाई साहब अब टेरिस लोग तो यहीं से दिख चुके मेरे को। तो कोई नहीं, एक सेकंड, तो कोई नहीं यहाँ पर आगे तक जल्दी से निकलता हूँ, वो तो अच्छा हो गया। यहाँ पर ना किसी को कुछ पता नहीं चला है, गजर यहाँ पर जो है मेरे को कूद काद के जाना पड़ रहा है। तो गजर आप लोग यहाँ पर देख पा रोगे भाई कितनी सारी टेरिस गाड़ी वाड़ी खड़ी है। ओ एक सेकंड, आग की तरफ ना बंदे बंदे खड़े हुए हैं। कोई नहीं यहाँ पर मैं धीरे धीरे आग की तरफ निकलता हूँ। तो गजर मैं तो सोच रहा था गजर अपने ड्रोन को इजिली मैं उसके केव के अंदर भेजूंगा, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे बंदे बंदे खड़े हुए हैं, इनको गजर ढेर करना पड़ेगा। और गजर ना ही मेरे को यहाँ पर जो ट्रैवर दिख रहा है, ना ही गजर सीजे दिख रहा है जब मैं पहले आया था, तब तो गजर यहाँ पर दोनों थे। ओ एक सेकंड, इसका मैं मत हो जाता हूँ। पहले तो एक बंदा तो गजर गया, दूसरा बंदा भी गया, और गजर ये बंदा भी फाइनली जा चुका है। ओ भाई साहब फाइनली तीन बंदे तो गए और तो कोई नहीं ना। तो गजर यहाँ पर मेरे को और तो कोई नहीं दिख रहा है, बाकी अगर और कोई होगा तो मैं उसका भी मत्था सुझा दूंगा। तो गजर ये फायदा होता है सप्रेसर वाले गन का। ओ एक सेकंड, एक बंदा वो खड़ा दिख रहा है, तू भी निकल यहाँ से। तो कहते इसको पीछे मैंने लपेट दिया, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। और मेरे को क्या लग रहा है, सारी सारे जो टेरिस लोग हैं वो यहाँ पर मैंने सफाया तो कर दिया है। और भाई साहब ये कितनी सारी गाड़ियां भाई, अबे क्या भंडारा वा ट्रैक है भाई, इतनी सारी गाड़ियां लाकर रख रखी हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे भाई पाइपलाइन जो इन्होंने बिछा रखी है ना, तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर जा सकता हूँ, लेकिन जैसे अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा कि यार इसके अंदर कितने ही टेरिस लोग हो सकते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो पहले यहाँ पर छुपना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं अपने ड्रोन को जल्द से निकालता हूँ और इसके अंदर भेज देते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, तो अभी ड्रोन को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है भाई, अभी ड्रोन हो गया क्या हो गया। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो भाई साहब अबे धीरे उड़ जा भाई, कैसे करेगा। तो कोई नहीं, यहाँ पर जो इसको सबसे पहले तो अंदर की तरफ लेके चलते हैं। भाई कितना ज़्यादा तगड़ा है ड्रोन है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके अंदर जो कैमरा वैमरे फिट हो चुके हैं, तो कैसे जो भी फुटेज होगी ना कैसे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उसको, और कैसे लेसर के पास भेज दूँगा। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं अपने ड्रोन को लेकर तो आ चुका हूँ, और सामने की तरफ भाई कितने सारे बंदे बंदे खड़े हुए हैं। तो भाई मैं उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, बट कोई नहीं यहाँ पर अपने ड्रोन को लेकर चलता हूँ। अब ये ड्रोन बनाया भाई क्या बनाया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कोई नहीं जैसे का कुछ है इसको लेके तो चलने वाला हूं मैं भाई, इनको बस पता हुआ था ना चलने लगे। ओ एक सेकंड, मैं ऊपर की तरफ से लेके तो चल रहा हूं, बस जैसे करके बस पहुंच जाऊं आगे तरफ। ये ड्रोन उड़ रहा है भाई, क्या उड़ रहा है, कितनी ज्यादा स्पीड से उड़ रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस। यहां पर जो अपने ड्रोन को लेकर भाई पूरा दीवार से चिपका के चल रहा हूं मैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे अभी ना मैंने जो मोड है फर्स्ट पर्सन में कर दिया है, क्योंकि यार अभी यार मेरे को समझ आ रहा यार इस ड्रोन को भाई कैसे उड़ाना है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, अभी इन्होंने तो अटैक करना स्टार्ट कर दिया भाई, तो यहां पर पता चल चुका है। ओ भाई, तो यहाँ पर अपने ड्रोन को मैं जल्द निकालता हूँ, बस मेरे को ये देखना है कि यार वैसे तो कहते ये जो ड्रोन ना पूरा बुलेट प्रूफ है। ओ भाई साहब, तो कहते यहाँ पर इनको पता चल चुका। ओ भाई साहब अब इसे गर्दन काट दिया, बट कोई नहीं बेटा तुम आज कितना भी दम लगा लो। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कितनी सारी यहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी है, वैसे तो कहते इनको जब पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो आ चुका है, बाकी इस ड्रोन की ऐसी। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर मैं आ तो चुका हूँ, मेरे को ट्रैवल भी दिख चुका है, तुम्हारी भैंस दो चार बंदे तो मैंने लपेट दिए, और ट्रैवल कहते मेरे को यहीं से दिख चुका है। तो मेरे को समझ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाकी तो कहते यो भाई साहब। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फ्रैंकली जल्दी से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर रुकना बिल्कुल बेकार है। ओ भाई भाई, तो कहते वहाँ पर हर किसी को पता चल चुका है कि हम लोग आए थे। ओ तुम्हारी भैंस के बेटा चोड़े हो गए क्या, हमसे चोड़े हो गए, रुको रुको इनकी जो है भूत बना दूंगा बेटा, रुक जाओ रुको, तुम्हारी ऐसी तरह से किसी और रास्ते से निकल के आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर सबको मारने वाला हूँ, यहाँ पर कहते मारना बेकार है, काफी सारे टेरिस लोग आ चुके हैं। अभी फ्रैंकली जल्दी से आ जाओ, मतलब आप लोग देखो भाई कैसे झुंड बना के बैठे हुए हैं। ओ तो कोई निकल सा जल्द से निकलते हैं अबे फ्रैंकलिन जल्दी से। एक तो गजर यहाँ पर फ्रैंकलिन पता नहीं यार किधर की तरफ ही रह गया, पीछे की तरफ ही है। तो गजर अपनी गाड़ी आई थिंक आगे की तरफ ही खड़ी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर गजर अपनी गाड़ी को उठाते हैं और सीधा निकलते हैं। गजर अभी ना लेसर के पास निकलना पड़ेगा, वही गजर कुछ बताएगा। और गजर ये तो पता चल चुका है कि यार जो ड्राइवर है वो अंदर की तरफ ही है। एक तो अबे तुम्हारी भैंस किधर की तरफ हो बेटा, चूरन लोग सबके सब जो है सबको जब करना मुंह तोड़ूंगा, किधर की तरफ। ओ तेरी भैंस, तू भी निकल यहाँ से, अपनी गाड़ी को मैं जल्द से उठा। अबे फ्रैंकलिन किधर रह गया यार, ये पागल फ्रैंकलिन। ओ वो रहा भाई, अबे फ्रैंकलिन जल्दी से आ यार, क्या करने में लग रहा है। तो कोई निकल यहाँ पर फ्रैंकलिन को जल्द से बुलाता हूँ। यहाँ पर कहते हैं फ्रैंकलिन को खोना नहीं चाहता यार, क्योंकि यार हम लोगों ने जो है अपने दो दोस्तों को तो खो दिया, मतलब खो क्या दिया अभी कहते हैं टेरिसों के पास। फ्रैंकलिन जल्दी से आके बैठ जाए। तो कोई निकल यहाँ पर फ्रैंकलिन आके बैठ, रुको रुको इनकी भैंस यार बहुत चोड़े हो रही है, अंदर जाकर मारो क्या, तुम्हारी भैंस कितना चोड़ा होगा
बेटा तेरी है, निकल यहाँ से तेरी है, ऐसी की तैसी। इतनी देर से जो है कंटिन्यूसली गोली चला जा रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पर रुकना बेकार है। अगर यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं है कि यार कितने और टेररिस्ट लोग आके यार हम पे जो हमला कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा गाइस लैसर के बेस में निकलना पड़ेगा। तो गाइस मैंने लैसर के पास कॉल कर बता दूंगा कि हमको ये तो पता चल चुका कि जो ट्रैवर है वो अंदर की तरफ ही है, लेकिन ट्रैवर तो था लेकिन गाइस मेरे को सीजे कहीं पर भी नहीं दिखा था। ट्रैवर तो मेरे को दिख गया था और उसे ट्रैवर में से ना काफी सारा ब्लड भी निकला था भाई साहब, इन्होंने ट्रैवर को कितनी ज्यादा बुरी तरह से मारा था। बट कोई नहीं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और सीधा गाइस अभी जो है लैसर के पास निकलना पड़ेगा और गाइस लैसर ही प्लान बनाएगा और गाइस तभी जो है हम ट्रैवर और सीजे को बचा पाएंगे। तो गाइस आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ट्रैवर और सीजे को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो बस इतना ही, ब्रो को अच्छे लगे अच्छे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।